सुप्रभात आप सभी को, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आज का ब्लॉग में। सो आज का ब्लॉग भी मैं उज्जवल का दुकान से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग चेमचे जा रहा है। तो उज्जवल ने मुझे फ़ोन किया कि चलो चेमचे जाएंगे, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है बोल के बोला। तो लेट्स ठीक है बोल के मैं भी घर से निकल आया। तो उज्जवल भी अभी देखो रेडी हो गया। तो कहाँ पर जा रहे हैं पूरा डिटेल दे दो ना भाई। हम लोग उधर चेमचे जा रहे हैं साग किला मनाने के लिए। हम लोग राय लोग का एक चाड़ है जो हम लोग कहता है उबौली कहता है, उसको साकेला कहता है, इसलिए हम लोग उधर चाड़ मनाने के लिए जा रहे हैं। हम दोनों और लोग भी आगे जा चुका है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो आप लोग को बता दिया उज्जवल ने हम लोग कहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है ना भाई। तो उबौली का जब हम लोग किराती का राय का प्रोग्राम है, ये सबसे बढ़िया उबौली। जब खेती करने से पहले हम लोग ये पूजा करता है तब उबौली इसको बोलता है। जब हम लोग का खेती उठाने का काम होता है तब करता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा चेमचे। गाइस बने रहिए आप लोग। तो गाइस हम लोग निकल ही चुका है अब भी चेमचे की तरफ। हाँ तो गाइस क्या बोलूँ, बुद्ध पूर्णिमा भी है यार बुद्ध का। इतना उसका डिटेल्स मुझे भाष में कुछ मालूम नहीं, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्धिस्ट लोग आज पूजा कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग नामची आई पहुंच गया है, ठीक है। जोरथंग से आते समय हम लोग को राइट जाना है नामची बाजार के लिए, लेफ्ट गया तो कामांग कॉलेज भी मिल जाएगा और सिटी वेस्ट जाए जा सकते हैं आप, ठीक है। आप लोगों ने आते आते फिर दूसरा जंक्शन मिल जाएगा, तो आप लोग को फिर यहाँ से लेफ्ट जाना है। राइट गया तो फिर आप लोग को हेलीपैड सोलोखू वहाँ पे मिलेगा, आले टूरिस्ट प्लेस है सोलोखू पर हेलीपैड। साई मंदिर भी वहाँ पे। तो हम इधर जा रहा है चेमचे, क्योंकि बाजार का रास्ता ये है मेन बाज़ार घुसने का, नामची बाज़ार। तो गाइस यही है मेन नामची हमारा स्मार्ट सिटी, लेकिन क्या करूँ अभी देख सकते गाइस इतना। तो यही है मेन नामची। तो हम लोगों को फिर यहाँ से लेफ्ट घुसना है और चेमचे की तरफ। तो ये देखिए सेंट्रल पार्क, ये बहुत बढ़िया है नामची का, पूरा आदमी लोग बैठा हुआ है। तो आप ये सीधा गया तो आप लोग को गाड़ी पार्क करने के लिए प्लाजा मिलेगा, ठीक है गाइस। तो हम लोग अभी अभी चेमचे की तरफ जा रहा है। तो ये दानथंग रोड, यहाँ से गैंगटॉक भी जा सकते हैं आप, रावम भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत जान है। गाइस आप लोग ना से दानथंग जा रहे हैं या गैंगटॉक जा रहे हैं, किसी तरफ जहीं भी जा रहे हैं ना, तो आप लोग जाते जाते आप लोग को फिर ये वाला फाटक मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से अगर राइट जिस अभी बुलेरो निकला ना इस रास्ते से गया तो आप लोग सैंडल से, ठीक है भाई। यहाँ से शायद 3-4 किलोमीटर कितना है और ऊपर बस बढ़िया है पूछा भाई कैसे है, तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ। तो हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं दानथंग पहुँच गया है, शायद आप लोग को मालूम है। पिछले ब्लॉक में हम लोग यहीं से ऊपर गया था टेंडोंग से, ये दानथंग है। अगर हम लोग राइट गया तो गैंगटॉक पहुँच सकता है, तो गैंगटॉक तीमी, लेकिन हम लोग को लेफ्ट घुसना है तो लेफ्ट ये रास्ता रावंग पहुँचेगा। अब रावंग से भी गैंगटॉक जा सकता है, लेकिन यहाँ से तो वहाँ जाने अच्छा है। तो हम लोग अभी सीधा गैंगटॉक की तरफ ना जाके जहाँ रावंग की तरफ जा रहा है, तो इस रास्ते से ही चेमचे पहुंच जाता है। गाइस ये जो आप लोग जस्ट दानथंग बाजार क्रॉस करेगा ना, तो फिर आपको ये मिलेगा जगह, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से लेफ्ट जाना है चेमचे जाते हुए, और मैंकिम इस रास्ते से आपको मिलेगा। हम लोग
चेन से का रिंग रोड पकड़ लिया है। हम लोग फिलहाल चेमचे आई पहुंच गए और ये है, ये मेन हमारा यहाँ का एंट्री पोर्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है साक्यों साया मांगखिम चेमचे साउथ सिक्किम। यस यस शिवानी ढिलो ढिलो सो हमारा किराती सरलोक है ना बुबू मतलब भैया लोग मिल गया है ऊपर से आ रहे हैं विजिट करके भैया चल चल फिर आएंगे अभी हम एंजॉय करेंगे हुन्छ सो गाइस हम लोग अभी ऊपर निकल रहे हैं, थोड़ा ही चलते चलते थक गया है, पहुंचने वाला है उधर को नजरिया दिखा दो ना, और ये पीछे का नजारा देख सकते गाइस सेम जगह, ये थोड़ा छोटा बाजार ये एरिया और जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ऊपर में वहाँ पे है टूरिस्ट सेंटर और रॉक क्लाइंबिंग है यार क्या क्या है कुछ वहाँ पे, मैं भी नहीं गया हूँ अभी तक तो, मैं जाऊँगा ज़रूर वहाँ पे आप लोगों को भी दिखाऊँगा ठीक है, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है और मैंने सुना भी था वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग और कुछ कुछ और वगैरह का ट्रेनिंग सेंटर भी है सोचा था, तो भाई हम लोग आगे निकल रहे हैं और बस पहुँचने ही वाला है, थोड़ा आप लोग को दिखाई दिया नज़ारा साउंड भी आ रहा है अच्छे से पहुँचने वाला है, मतलब हम पहुँच ही गए लगभग सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से हमें पितृ धर्म लाई मान्ने मात्र होइन हामी विभिन्न धर्म अवलम्बीहरू साथै विभिन्न जात जातिबाट आज हामी यहाँ हाम्रो जुन धार्मिक सम्प्रदाय तथा हामीले जातीय सद्भावनालाई कायम गरेर हामी भविष्यमा पनि हामी एकजुट भएर बाँच्छौँ भन्ने विशेष यहाँहरू सबै सबैलाई तपाईँहरूलाई राख्दै म कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छु। विशेष जति पनि पृथ्वीमा रहेको जनावर पशु पक्षीहरूको नक्कललाई यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ र तपाईँहरूको अघि यस भरुवा शिलीलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति हाम्रा सिलिहाङका सिलिहाङलाई यहाँ अघि आएर शिली प्रस्तुत गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु आलाङले। जितना भी संसार में फैला हुआ राय है
इसका ये मेन डिश है, मेन ये व्हाट्स को बोलते हैं, ये मुर्गी का जो फैदर से बनाया जाता है, जो फैदर होता है, जो अंदर का फैदर, जो बाहर का फैदर आँख में जला के फेंकता है, जो उसका मुर्गी का जो होता है ना बाल, वो बाहर वाला आँख में जला के फेंकता है, जो अंदर का नीचे वाला भाग उसको जला के निकाल के, और वो मुर्गी का मांस छोटा 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 करके काट के कीमा लाइक कीमा ऐसा छोटा बना के और मस्त करके राइस के साथ ये बनाया जाता है। बहुत टेस्टी होता है, देख सकते हैं, देख सकते हैं मुर्गी का मांस किस करके बताना कैसा है। बढ़िया 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 बराबर, और तरह का फ्लेवर भी है, बढ़िया सब फ्लेवर मस्त मस्त टेस्टी है। कौन बनाया, जिसने भी बनाया भाई उसके लिए चेस अच्छा बढ़िया। ये वो चिपा का भैया है, भाई नहीं खाएंगे हम, भैया खाएंगे। ये सब लोकल मुर्गी का होता है वह चिपा ना, वह का मतलब होता है हमारा लैंग्वेज में मुर्गे, और चिपा चिपा का मतलब ये चिकन, और वो जो फैदर होता है ना मुर्गी का उसको जला के थोड़ा क्या बोल पीता है उसको डाल के बनाता है उसको मुर्गी बाल, 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 बड़ा बड़ा बाल ये सब खींच के फेंकेगा, जो अंदर का छोटा छोटा बाल जो आँख में जला के जो रहता है ना वो बाल से बनाया जाता है ना, है ना, अदरक गार्लिक सब डाल के, है ना, बड़े बड़े टेस्ट मस्त लगा मुझे। अंदर ही घुस गया हूँ जो हमारा मैंकी के अंदर, तो ये है हमारा मेन मैंकी, देख सकते गाइस ये है मेन। अभी यहाँ पे पूजा चल रहा है, मतलब अपना देख सकते हैं जो मेन हमारा राय का कल्चर का पूजा हो रहा है अभी, जो खेती करने से पहले करता है उससे अभी कर रहा है गाइस, देख सकते हैं ये हमारा मेन पूजा ये होता है हमारा राय का सबका घर में, ये चूल्हा होता है, ये चूल्हा में भी कुछ राज है, मुझे उतना तो मालूम नहीं लेकिन बस मुझे मालूम है आदम हवा और नील ऐसे बोल के, और उसी से आग लगा जाता है ऊपर में मांस करके राई बना के खाया करता है हमारा लोग गाइस। यहाँ से निकल रहा है, थोड़ा पूजा कर लिया और सब कुछ करना था कर लिया, और जो देखना था वो भी देख लिया, तो हम लोग फिर निकल रहा है यहाँ से वापस। अभी मैं आप लोग को बोला था पहले कि जो वहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना वहाँ का व्यू देखने का मन हो गया, उज्जवल ने बोला कि चलो वहाँ पे चलते हैं, तो हम लोग का प्लान हो गया कि अब वहाँ पे चल रहा है जो दिखाई दे। यहाँ पे गाड़ी में क्या है, नो एंट्री, एंट्री क्या है कुछ लिखा है, नो एंट्री फॉर टैक्सी व्हीकल अरे हमी रख दूँ जी। स्पोर्ट क्लाइंबिंग कोर्स, माउंटेन बाइकिंग कोर्स, स्किल कोर्स, माउंटेनियरिंग कोर्स, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग कोर्स, चल आई पहुंच गया अंदर। सो देख सकते गाइस ये है नजारा रॉक क्लाइंब करने के लिए,
रॉक क्लाइम और माउंटेन क्लाइम जो भी है ये बनाया है इसका स्ट्रक्चर इसे देखने से तो ऐसे लग रहा है मुझे बढ़िया गाइस। रॉक क्लाइम देख सकते हैं हम लोग आगे निकल रहे हैं और दिखाएंगे भी हेलीपैड में है हम लोग चेमचे का हेलीपैड में मतलब ऊपर से मैं यहाँ भी आई फोन आ ही गया तो मैं यहाँ से आप लोग को नामची दिखाने वाला हूँ देख सकते हैं नामची नामची सैंडुप्चे और थोड़ा फॉगी वजह से वहाँ पे दूर में चारधाम है ऊपर में ठेंडो ये है चमचे का नज़ारा बहुत केयरलेस लगा मुझे यहाँ पे इतना टूरिज्म के लिए इतना मस्त जगह है यार जो भी है मेंटेनेंस थोड़ा भी नहीं है मतलब है तो है लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा कम लग रहा है बढ़िया है लेकिन